हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सी जी डब्ल्यू आर करंट जी के विद रिवीजन में। आज बात करें अपने 9 सितंबर के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में। सो बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुल्ला हसन अखुंद जो है बेसिकली इसको अफगानिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अभी नियुक्त किया गया है। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस है उन सभी के बारे में, जैसे कि मुल्ला अब्दुल गानी बरदार जो है इनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है नियुक्त किया गया है। इसी तरह से सिराजुद्दीन हक्कानी की बात करते हैं तो ये यहाँ की जो कैबिनेट बनाई गई है उसके अंदर एक कैबिनेट जो मिनिस्टर है वो नियुक्त किए गए हैं। और कहा गया है इनके बारे में कि जो यूएसए की एफबीआई है उनकी जो टॉप वांटेड जो मोस्ट वांटेड पर्सन्स है उनके अंदर इनका जो नाम है वो टॉप पे आया हुआ है। इसी तरह से बात करते हैं योशीहिदे सुगा के बारे में, जो कि करंट टाइम में जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो अभी बने हुए हैं। और इनके द्वारा भी ये घोषणा की गई है कि सितंबर मंथ के लास्ट के अंदर जो प्रधानमंत्री के लिए इलेक्शंस होंगे जापान के अंदर, वहाँ पर ये नेक्स्ट प्रधानमंत्री के रूप में कार्य नहीं करेंगे। सो फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, एक्सिम बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हर्षा भूपेंद्र बांगरी जो है इनको नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं सबसे पहले एक्सिम बैंक के बारे में। सो एक्सिम बैंक जो है बेसिकली इसका जो फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक है, और इसकी जो स्थापना है वो 1982 के अंदर मानी गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर प्रेजेंट है। अब बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में। एमडी डेविड की बात करते हैं तो रेस्क्विना है जो है इनका स्थान इन्होंने हर्षा ने लिया है। इसी तरह से वर्तिका शुक्ला की बात करते हैं तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की जो चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो ये बनी है। इसी तरह से बात करते हैं डॉक्टर धृति बनर्जी के बारे में, सो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल के कलकत्ता के अंदर है, जिसकी स्थापना 1916 के अंदर हुई थी, उसकी पहली महिला जो अध्यक्ष है वो भी ये बनी थी। सो ये वाला जो क्वेश्चन है पिछले 2 से 3 दिनों से यहीं पर रिपीट हो रहा है, और अब तक तो शायद आप लोगों को ये याद हो गया होगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आगे आने वाले एग्जामों के अंदर, क्योंकि जो पहली महिला अध्यक्ष है या फिर पहली महिला एमडी है या सीएमडी जो भी होती है उनके बारे में एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछा जाता है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपका थर्ड क्वेश्चन है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने अमेज़ॉन इंडिया के साथ में समझौता किया है। सो इसका राइट आंसर होगा गुजरात राज्य की सरकार के द्वारा बेसिकली इसकी जो घोषणा है वो की गई है, और इसके जो समझौता है वो यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी जो है उनके द्वारा बेसिकली किया गया है। इसी तरह से अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन हैं उनके बारे में, जैसे तमिलनाडु की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन के बारे में अपनों ने कल के वीडियो में ही बात की थी कि भारत का पहला जो सी काऊ है जिसको समुद्री घोड़ा अपने कहते हैं दरियाई घोड़ा जो कहा जाता है, उसका जो कंजर्वेशन स्थान है वो तमिलनाडु के अंदर बेसिकली बनाया जा रहा है, और ये भारत का पहला सी काऊ का जो कंजर्वेशन स्थान है वो बनाया जा रहा है। इसी तरह से राजस्थान की बात करते हैं तो पैरा ओलंपिक के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली राजस्थान के जयपुर के रहने वाली अवनी को यहाँ की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बढ़ाओ जो है अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उसका ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है। और इसी तरह से गोवा राज्य की बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री जो प्रमोद सिंह सावंत जी है उनके द्वारा घोषणा की गई है कि यहाँ पर रहने वाले हर परिवार के सदस्य को लगभग 16,000 लीटर जो जल है वो मुफ्त के अंदर प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसी के साथ साथ कहा गया है कि यदि आपको पानी चाहिए तो आपको पानी बचाना भी होगा, सो सेव द वाटर भी यहाँ पर कहा गया है। फिर अपनों ने यहाँ पर बात की है गुजरात राज्य के बारे में, सो बात कर रहे हैं अपने गुजरात राज्य की। यहाँ पर ये वाला जो एरिया आपको दिखाया गया है ये गुजरात राज्य का शो किया गया, और गुजरात राज्य की बात करते हैं तो भारत के विभिन्न राज्य जैसे कि आपका राजस्थान हुआ मध्य प्रदेश हुआ और महाराष्ट्र हुआ इनके साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। इसी के साथ साथ जो यूनियन टेरेटरी है अपनी दादर नागर हवेली इसके साथ भी इसकी जो बाउंड्री है वो टच होती है, दमन एंड दीव भी है वो बेसिकली ये प्रेजेंट है।
फिर अपने बात कर रहे हैं गुजरात राज्य के बारे में। सो यहाँ की जो राजधानी है वो गांधीनगर है। यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी, गवर्नर जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत जी हैं। इस राज्य को जो निर्माण हुआ था 1 मई 1960 को हुआ था, और 1 मई को जो है पूरे विश्व के अंदर जो विश्व मजदूर दिवस है वो बेसिकली मनाया जाता है। इसी तरह से अपने बात करते हैं तो ये राज्य जो है बेसिकली महाराष्ट्र जो राज्य था उससे अलग होकर ये बना था। इसी तरह से यहाँ पर जो नृत्य है उसकी बात करते हैं तो गरबा है। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क हुआ, ब्लैकबक नेशनल पार्क हुआ, मेरिन नेशनल पार्क हुआ, गल्फ ऑफ कच्छ हुआ, वंसदा हुआ, ये कुछ नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी तरह से विधानसभा की 182 सीट्स, लोकसभा की 26 और राज्यसभा की 11 सीट जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब अपने बात कर रहे हैं गुजरात राज्य के बारे में, जिसकी वजह से ये अभी करंट न्यूज़ के अंदर अभी चर्चा में बना हुआ था। सो बात करते हैं कुछ समय पहले यहाँ पर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा जेन गार्डन और काइजन जो अकादमी है उसका उद्घाटन किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम वो भी यहीं पर ओपन किया गया। और जो गुजरात के अंदर सोमनाथ मंदिर है उसके अध्यक्ष जो है वो भी अभी नरेंद्र मोदी जी जो है उनको बनाया गया है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे गुजरात राज्य के बारे में जिसकी वजह से ये चर्चा में बना हुआ था। अब बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर आप ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, जो पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रही हैं, CGWR करंट GK विद रिविजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है इसको तो आपको प्रेस करना कंपलसरी है यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं तो, क्योंकि जैसे ही आप इस आइकन को प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन डेली की आपको करंट अफेयर की जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसका नोटिफिकेशन जो आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में 7वें जो यामिन हजारिका वुमन ऑफ सस्टेनेबल अवार्ड जो है वो उससे किसे सम्मानित किया जाएगा। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नमिता गोखले जो है इनको सम्मानित किया जाएगा। अब बात करते हैं इनके बारे में। ये जो है बेसिकली एक राइटर है, और इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं ये एक लेखिका है। इसी के साथ साथ बात करते हैं तो जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होता है जो कि राजस्थान के जयपुर के अंदर जो एक मालवा नाम की जगह है वहाँ पर बेसिकली इसका जो आयोजन है वो किया जाता है। मालपुरा नाम की एक जगह है जयपुर के अंदर, वहाँ पर बेसिकली हर साल जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है उसका आयोजन किया जाता है, जहाँ पर देश के और विदेश के नामी गिरामी जो राइटर्स हैं कवि है वो बेसिकली यहाँ पर पहुँचते हैं। अब बात करते हैं ये जो है जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है उसकी को फाउंडर और को डायरेक्टर के रूप में इनको जाना जाता है। और ये जो है बेसिकली 7वें नंबर का जो यामिनी हजारिका वुमन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड जो है वो बेसिकली इनको दिया जाएगा। इसी तरह से अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस है उनके बारे में, जैसे कि राणा साफी की बात करते हैं तो 6 नंबर का जो यामिन हजारिका अवार्ड था वो बेसिकली इनको प्रोवाइड करवाया गया था। और रुमाना सिंह सहगल की, यदि अपने सिन्हा सहगल की बात करते हैं तो इनको जो है 2021 का नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि भारत की रहने वाली है। इसी तरह से ऐश्वर्या श्रीधर की बात करते हैं तो ये जो है भारत की पहली ऐसी महिला बनी है जिनको वाइल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो प्रोवाइड करवाया गया था 2020 के लिए। फिर बात करते हैं यामिन जो हजारिका है उनके बारे में। ये एक बेसिकली वुमन है जो कि असम राज्य की रहने वाली थी, और ये ऐसी पहली नॉर्थ ईस्ट की वुमन बनी थी जो कि जो कॉप अपनी होती है, जो पुलिस होती है बेसिकली उसके अंदर ये काम कर रही थी। ये जो है बेसिकली 2 बच्चों की मदर भी थी, और इसी को देखते हुए ये बेसिकली वहाँ पर पुलिस के अंदर वर्क भी कर रही थी। इसी की वजह से इनको जो है इनका जो नाम है वो काफ़ी फेमस हुआ था, और इन्हीं को याद करने के लिए जो है बेसिकली अवार्ड जो है प्रोवाइड करवाया जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। शिक्षक पर्व 2021 का जो उद्घाटन है वो अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है। सो इसका राइट आंसर होगा देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है इनके द्वारा किया गया है। अब यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि जो नरेंद्र मोदी जी है हमारे देश के कौन से नंबर के जो प्रधानमंत्री है वो अभी बने हुए हैं। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा, और हाँ, जो भी मुझे इसका आंसर बताएगा
उसका जो नाम है विद फोटो, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो कल पब्लिश होगा 10 सितंबर को, उसके अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करें अपने बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे स्मृति ईरानी की बात करते हैं तो इनके द्वारा पोषण 2.0 जो अभियान है वो बेसिकली स्टार्ट किया गया है, जो कि न्यूट्रिएंट से संबंधित है, न्यूट्रिशन से। और जी किशन रेड्डी जो कि कल्चरल मिनिस्टर है, इनके द्वारा बुज़ुर्गों के साथ बुज़ुर्गों की बात और बुज़ुर्गों के साथ नाम का एक जो प्रोग्राम है वो बेसिकली इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। और नारायण राणे की बात करते हैं तो MSME की ये मिनिस्टर है, और अभी इनको लगभग 2000 सन जो है अपना 2000 के बाद पहले ये ऐसे कैबिनेट मंत्री बने हैं जिनको कि किसी राज्य सरकार के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इसी तरह से अब बात करते हैं अपने जो शिक्षक पर्व है 2021, ये जो है बेसिकली इसकी जो थीम रखी गई है इस बार वो रखी गई है कि गुणवत्ता और सत स्कूल, भारत में स्कूलों से सीख नाम की ये थीम जो है वो बेसिकली रखी गई। अब बात करते हैं अपने शिक्षक पर्व 2021 के बारे में। इसका जो आयोजन है वो 5 सितंबर से स्टार्ट हुआ है और 7 सितंबर तक बेसिकली जिसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। और इसका जो आयोजन किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा बेसिकली इसका आयोजन किया जा रहा है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो मिनिस्टर है अभी प्रेजेंट टाइम में धर्मेंद्र प्रधान जी बने हुए हैं, और इनसे पहले जो है रमेश पोखरियाल जी बने हुए थे। अब एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है यहीं पर शिक्षा से संबंधित, अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई थी चर्चा के अंदर, जिसके अंदर कहा गया था कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा बेसिकली एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसके अंदर बताया गया था कि इंडिया की जो स्कूली शिक्षा है वो विश्व में सबसे खराब, जो वर्स्ट कंडीशन मानी जाती है उसके अंदर दूसरे नंबर पे आई है नीचे से। तो ये एक चिंताजनक विषय है हमारे देश के लिए और हमारे देश के जो एजुकेशन सिस्टम है उसके लिए। फिर बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, अभी हाल ही में किस हवाई अड्डे ने 22वां राष्ट्रीय CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एनर्जी लीडर अवार्ड जो है वो जीता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा बेसिकली ये जो अवार्ड है वो बेसिकली जीता गया है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, सो ये जो एयरपोर्ट है बेसिकली इसको कहा गया है कि ये विश्व का सबसे जो व्यस्ततम एयरपोर्ट है भारत का, वो भी चुना गया है। फिर बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, 8 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस जो है वो मनाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है वो बेसिकली इस दिन मनाया गया था। और अब यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि ऑप्शन डी के बारे में बात करते हैं इंटरनेशनल चैरिटी डे के बारे में, तो इस दिन जो है मदर टेरेसा जो थी उनकी मृत्यु हुई थी और उन्हीं के याद में मृत्यु दिवस जो है वो मनाया जाता है, और इसको इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी जो डे है वो मनाया जाता है, जो कि 5 सितंबर को पूरे विश्व के अंदर ये मनाया गया था। इसी तरह से इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्कीज नाम से एक डे मनाया जाता है, जो कि 7 सितंबर को मनाया गया था, और ये पूरे जो आसमान है उसको साफ करने के लिए बेसिकली ये जो प्रोग्राम है या फिर जो डे है वो मनाया जाता है। इसी तरह से भारत के अंदर टीचर्स डे जो है वो 5 सितंबर को मनाया गया था, और जो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे राष्ट्रपति थे इनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में बेसिकली ये जो डे है वो मनाया गया था। अब बात करें अपने जो इंटरनेशनल लिटरेसी डे है उसके बारे में, तो इस बार जो ये डे बनाया गया है वो 55th नंबर का बनाया गया है, और ये जो डे है बेसिकली यूनिसेको जो है उसके द्वारा ऑर्गेनाइज जो है वो किया जा रहा है। यूनिसेको का जो हेड क्वार्टर है वो बेसिकली अपने बात करते हैं तो पेरिस फ्रांस के अंदर बेसिकली ये प्रेजेंट है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना जो है वो 1945 के अंदर हुई थी, और यहाँ से आप लोग मुझे इसके जो अध्यक्ष अभी बने हुए हैं उसका नाम जो है वो कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। फिर बात करते हैं फर्स्ट टाइम जो ये डे मनाया गया था लिटरेसी डे, ये जो है 1967 के अंदर यूनिसेको के द्वारा मनाया गया था। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस देश ने हाइपर स्पेक्ट्रल ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है जिसका नाम जियोफेन 502 है वो लॉन्च किया है। सो इसका राइट आंसर होगा बेसिकली जो चाइना कंट्री है ऑप्शन ए,
चाइना के द्वारा बेसिकली ये जो सैटेलाइट है वो लॉन्च किया गया है, जिसका यूज जो है बेसिकली इमेज प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। और ये जो इमेज है बेसिकली जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उनके थ्रू ये जो वेव्स है वो प्राप्त की जाएगी। फिर बात करते हैं अपने जो बाकी के ऑप्शन हैं उनके बारे में, जैसे कि कल के क्वेश्चन में अपने एक क्वेश्चन की बात की, कल के वीडियो में अपने एक क्वेश्चन की बात की थी कि जो नेवी एक्सरसाइज है बेसिकली उनका आयोजन किया अभी किया जा रहा है। सो इससे पहले जो है सिम्बेक्स इंडिया जो है वो किया गया था, जो कि सिंगापुर इंडिया के बीच में किया था। ओसी इंडेक्स जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की आर्मी के जो नेवी है उसके बीच में ये अभ्यास किया गया था। बांग्लादेश और इंडिया के बीच की यदि अपने बात करते हैं तो बोंगो सागर जो है नाम का एक नेवी एक्सरसाइज वो बांग्लादेश और इंडिया की नेवी के बीच में किया जाता है। सो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा। जो पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट जीके विद रिवीजन चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी आप जरूर प्रेस कीजिएगा। सो अब अपने बात करते हैं लास्ट जो डेट थी सेप्टेम्बर उसके रिविजन के बारे में। सो बहला टर्टल संरक्षण अवार्ड 2021 जो है वो शैलेंद्र सिंह ने जीता है, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा। फिर बात करते हैं ओसी इंडेक्स का फोर्थ एडिशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका आयोजन किया गया, भारत के साथ इसने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। और भारत का पहला जो है डंगोंग संरक्षण रिजर्व जिसको दरियाई घोड़ा कहते हैं अपने, वो शिकाऊ जिसके नाम से जाना जाता है, वो तमिलनाडु के अंदर ओपन किया जा रहा है। और भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन का जो उद्घाटन है वो IIT हैदराबाद के अंदर किया गया। वी रामाकृष्ण गुप्ता की बात करते हैं तो BPCL जो है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो भी वित्तीय निदेशक हैं इनको भी चुना गया है। इंडिया टुडे के द्वारा बेसिकली एक जो न्यूज़ चैनल है वो बेसिकली स्टार्ट किया गया, जिसको नाम GNT के नाम से जानते हैं, गुड न्यूज़ टुडे। तो ये अभी स्टार्ट किया गया जिसके ऊपर अच्छी खबरें जो होती है वही बेसिकली यहाँ पर प्रसारित की जाएगी, नेगेटिव जो समाचार है वो यहाँ पर प्रसारित नहीं किए जाएंगे। इसी तरह से असम में समग्र शिक्षा के अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कांस्य पदक विजेता बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन जो है उनको नियुक्त किया गया। और 2 से 3 साल तक की आयु के जो बच्चे हैं और उन इससे ऊपर तक की आयु के जो बच्चे हैं उन सभी को COVID-19 का टीकाकरण शुरू करने वाला विश्व का पहला जो देश है वो क्यूबा बन चुका है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि बेसिकली WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसकी कोई भी इसको प्रमाणित नहीं किया गया है। सो अब अपने बात करते हैं आज के जो भी क्वेश्चन थे उन सभी के आंसर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय, बी हैप्पी।